मेरी वीसी है सर, मैडम मैं तो जाना पड़ेगा, और इनकी भी वीसी है, इन्होंने जो कार्रवाई की है वो आपको लिखित में रिपोर्ट दे रहे हैं, और भविष्य के हिसाब से मैंने ये कहा था कि सदन को ठीक से चलाए, जनहित के अंदर जो मुद्दे हैं उनके तर्कसंगत तरीके से कार्रवाई हो तो इनको भी अच्छा लगेगा और जनता को भी फायदा होगा। अदरवाइज मैं निवेदन करा, 3 महीने में एक बार हम मिलेंगे, पिछली बार भी आप चले गए, इस बार भी आधा घंटा बताइए लग गया रिपोर्ट बनाने में टाइम लग गया, और जो कार्रवाई की वो आप एक बिंदु और जुड़े कि इतनी जिले की सबसे बड़ी मीटिंग के अंदर आपकी मौजूदगी में, प्रमुख साहब की मौजूदगी में, चारों विधायकों की मौजूदगी में एडिशनल एसपी साहब ने जो झूठ बोला है इसके ऊपर भी कार्रवाई हो, ये दूसरे में जुड़ जाएगा। जांच में ये कह दिया मैंने कि कोई पाया नहीं गया। सर मैं ये दूध का दूध अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ये सामने आप खाली प्ले का बटन दबाएंगे आप खुद देख लेंगे, ये आप एक बार कर ले, और अगर आपको दोबारा जांच से मैंने इसको नहीं देखा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे स्कूल के अंदर कोई अध्यापक या इंग्लिश के टीचर को लेकर कोई बच्चे आंदोलन कर रहे थे इनको क्यों हटा दिया, और उस टाइम खूब सारी भीड़ हो गई, गर्मी के मौसम में बच्चों को जैसे चक्कर आ गया, कोई गिर गया और उसको 4 बच्चे उठा के अंदर लेके जा रहे हैं या उनको एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं तो किसी ने विरोध कर दिया, तो देखने में तो सर फुटेज में तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी कोई घटना हो गई, पर ये फैक्ट है सर, हम भी पढ़ते थे क्लास में, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे खुद को चक्कर आया था और मैं गिरा था, और हम में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जो 9th-10th में पढ़ते थे, सर्दी के मौसम में जब कुछ अध्यापक गण भी होंगे, सीनियर टीचर भी रहे होंगे, जो सर्दी के मौसम में सर बाहर जो प्रार्थना होती है तो वहाँ पर धूप और गर्मी में गिर भी जाते हैं, मैं लंबे समय से चिकित्सक रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ सर की होता है साइकोसोमेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर की वजह से गिर भी जाते हैं, तो मेरे को इसका नहीं पता, जैसा मेरे को बताया गया परिवार आप बताओ भी क्या एफआईआर नहीं आप बताओ ना, तनाव उन्हीं से करवा रही है, आप ऐसा पूरी सही से करवा देंगे आपने इस प्रकरण की जांच एडिशनल एसपी टोक साहब के लिए आपने कर दी, इसका आपका आभार, और अब इस जांच में हम भी पूरा ध्यान रखेंगे, बिंदु पे घास क्या चल रही है, लेकिन मैं आपका आभार देना चाहूंगा। मेरे वीसी है सर, भारत सरकार की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और सीओ साहब खुद बैठेंगे उसमें, और इनके भी वीसी है चल रही है, इनको 2 बार फोन किया बीच में, हमने कहा कि अभी वो हमारी मीटिंग बीच में रहेगी तो आप परमिशन देंगे तो हम वीसी अटेंड करेंगे, वो भारत सरकार का वीसी पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन ठीक है, और सीओ साहब कोऑर्डिनेट करेंगे।
और आपके सबकी भावनाओं के अनुसार, मनसा के अनुसार, निर्देशों के अनुसार हमने इतनी देर अधिकारियों से ये बात कर रहे थे, भविष्य में तैयारी करके आएंगे, वही आएंगे जो इसके लिए आने चाहिए, यथासंभव डीएलओ आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे। और माननीय सदस्यगण से भी मेरा निवेदन है, तो मैंने अभी आपको पूर्व में दो बार निवेदन किया, अगर हम ऐसे करेंगे निश्चित रूप से पब्लिक को फायदा होगा। सर डीएसओ चलो इसकी जांच करवा ले, विधायक महोदय बोल रहे हैं ना, विधायक महोदय बोल रहे हैं, उनके अनुसार जो उचित कार्रवाई वो करेंगे, करवा लेंगे इसकी जांच करवा लेंगे सर दोबारा। एक सर मेरा निवेदन है सभी सम्मानीय सदस्यगण, माननीय विधायक महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय से आज की मीटिंग के, इस मीटिंग की सेंटिटी के अनुसार इसके जो सम्मानीय सदस्यगण है वही इसमें रहेंगे तो और ज्यादा अच्छा चलेगा।